दोस्तों एंड ऑफ द डे मैं हूं तो एक बंगाली, कुछ ना कुछ फिश का रेसिपी तो आपको छेड़ना पड़ेगा। पर ये जो फिश है, ये वाला फिश, ये सबको पसंद है। प्रॉन्स, मतलब जिनको एलर्जी नहीं है प्रॉन्स से, तो उनको डेफिनेटली प्रॉन्स पसंद ही होगा। ये शांत फूड गैलरी है, जहाँ पे फूड को लेके, कुकिंग को लेके, रेसिपीज को लेके भरपूर रिसर्च करता हूँ मैं। तो इसलिए हमेशा मेरा कोशिश रहता है कि आप लोगों को कुछ दिखाऊं जो बनाने में बहुत आसानी हो और बिना झंझट का बनता है, डिलीशियस बनता है और बेस्ट बनता है। तो दिस इज दैट काइंड ऑफ रेसिपी। तो आइए आज बनाते हैं हम चिंगड़ी भापा। मीन्स भापा मीन्स ये पेपर में कुक होने वाला है। हाथ कम लगाना पड़ेगा, आपका तकलीफ कम उठाना पड़ेगा, पर पकेगा डिलीशियस वैसे। चिंगड़ी भापा या प्रॉन्स भापा, मराठी में झींगा भापा। तो चलिए बनाते हैं बहुत डिलीशियस झींगा भापा या चिंगड़ी भापा। मैं हूं शान और वेलकम टू शान्स फूड गैलरी, जो मेरा कॉमन डायलॉग है विथ अनकॉमन रेसिपी। तो आइए क्या क्या मसाला लग रहा है वो हम क्विकली देख लेते हैं और मसाला को प्रोसेस करते हैं और लगा देंगे इसको कुकिंग में। भाग जाएंगे इधर से, 15 मिनट में आपका कुकिंग रेडी। तो दोस्तों चिंगड़ी भापा बनाने के लिए हम पहले अपना जो प्रॉन्स है उसको मैरिनेट कर लेते हैं थोड़ा सा नमक से। तो 1/2 टीस्पून नमक और थोड़ा हल्दी। मैरिनेट हो गया 10 मिनट, आप इसको साइड में रखो, बीच में मसाला बना लो। तो मसाला में भी ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, मसाला में है थोड़ा सा सरसों। तो मैंने ये सरसों को गर्म पानी से भिगा के रखा था। तो इसमें है जो बड़ा दाना वाला सरसों है वो है 2 चम्मच, राई सरसों जो छोटा दाना वाला जो सरसों रहता है 1 चम्मच, और जो व्हाइट वाला सरसों है वो है 1 चम्मच। तो इसका बेस सरसों है। तो हम ये सरसों से बनाएंगे एक मस्टर्ड पेस्ट। सरसों से जब मस्टर्ड पेस्ट बनाना होता है हमेशा हरा मिर्ची यूज करिए, हरा मिर्ची। तो इसमें इसका फ्लेवर भी काफी बढ़िया आता है और इसका झांझ भी बहुत बहुत जबरदस्त आता है। पॉपी सीड्स, तो ये बनाता है थोड़ा सा, ये थिकनिंग स्टफ है, तो ये बनाएगा थिकन और साथ में यही लाएगा टेस्ट। तो आइए हम पहले पेस्ट कर लेते हैं ये तीनों को, पॉपी सीड्स, चिली और सरसों। इससे हम बना लेते हैं एक बहुत अच्छा वाला पेस्ट और उससे हम चिंगड़ी को, अपना जो प्रॉन्स है प्रॉन्स को फिर से मैरिनेट करेंगे और एक बोल में डाल के इसको लगा देंगे भेपर में। दोस्तों अभी हम एक छन्नी से पहले सरसों को फिल्टर कर लेते हैं। यही पानी हम यूज करेंगे सरसों को पेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों अभी हम इसके साथ ही डालेंगे जो पॉपी सीड्स था वो पॉपी पेस्ट, पॉपी सीड्स हम इसमें डालेंगे, मिर्ची, और हम इसके साथ ही डालेंगे थोड़ा सा हल्दी। अगर हल्दी नहीं डालोगे तो इसका झांझ नहीं आता है। तो थोड़ा सा भर, चुटकी भर हल्दी, और हम इसमें डालेंगे नमक 1/2 चम्मच। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। बन गया अपना मस्टर्ड पेस्ट। तो दोस्तों हमने इधर एक डब्बा ले लिया, डब्बे में डालेंगे अपना प्रॉन्स को। बहुत सिंपल रेसिपी है दोस्तों, मानो मेरी बात, बनाओ एक बार और खा के देखो, तब आपको पता चलेगा। बस अभी हम इसमें डाल देंगे ये पेस्ट को। ऑलरेडी चिंगड़ी में या तो प्रॉन्स के अंदर ऑलरेडी नमक था, और डाल देंगे हम इसमें दही, हम डाल देंगे इसमें सरसों का ऑयल 2 चम्मच, क्योंकि आपने देखा है कि ये भेपर में बनने वाला है और ऑटोमेटिक सेल्फ कुकिंग प्रोसेस है ये। और हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच नमक। तो दोस्तों ये देखिए पूरा का पूरा रेड और येलो टेक्सचर के ऊपर अपना प्रॉन्स रेस्ट कर रहा है उसके अंदर। और हम अभी लगा देंगे ढक्कन, वेट करेंगे पानी में उबाल आने के लिए। तो अगर आपके पास इधर स्पेस है तो कुछ भारी वाला कुछ इसमें डाल दो, स्टोन ग्राइंडर है, स्टोन ग्राइंडर का जो ग्राइंडर है, ग्राइंडर स्टोन, और लगा देते हैं ढक्कन। तो अभी पानी में उबाल आएगा और धीरे धीरे वो अंदर अंदर पकता रहेगा। बस इतना ही प्रोसेस है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं। बस आप सिर्फ ऐसा ही प्रोसेस में इसको डालो और ढक्कन लगा दो, वेपर आएगा, ऑटोमेटिक कुक होके निकल के आएगा 15 मिनट्स में। तो हम मिलते हैं 15 मिनट्स में। खोलते हैं ढक्कन और हम गैस को करेंगे बंद। हम यही गर्म पानी में इसको
रख देते हैं 5 मिनट और फिर उठा लेते हैं। खोलते हैं इसका ढक्कन और थोड़ा सा कर लेते हैं टेस्ट। सरप्राइज इज वेटिंग फॉर यू। वाओ क्या झांझ है। चलिए कर लेते हैं इसका नमक का बैलेंस टेस्ट। परफेक्ट। इसमें अगर परफेक्ट नहीं आएगा तो आपके हाथ में ऑप्शन नहीं है। जो मेन डिफर करता है सरसों का झांझ, तेल का झांझ दोनों एक साथ आता है और ये आता है बहुत बेहतरीन एक फ्लेवर। दोस्तों ये है आज का फाइनल प्रेजेंटेशन। तो चलिए दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो बनाइए, खाइए और टेस्ट देखिए और फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज बी अ मेंबर ऑफ द शांस फूड गैलरी फैमिली। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। स्टे वेल एंड स्टे हैप्पी। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। गुड नाइट।